माइक अपना लाइट सबर माइक लाइट भी है यूपी आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है थोड़ी सी अगर जगह दे देंगे इनको भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माइक माइक लाइट नहीं आ रही ना अच्छा मैं जितनी आवाज सुन सकती है अच्छा जी तकरीबन महीना डेढ़ हो गया आए हुए यहाँ पे पहले हमने एक खुली कचहरी की थी कौनसा में तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि हमारी डकैती में स्नैचिंग में मोटरसाइकिल चोरी में कितनी कमी आई है और क्या फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग जब खुद अपने इधर के हालात बताएंगे तो ये हमारे मोजज उस दिन भी मुलाकात हुई थी शाह साहब आप बताएं जी कि अभी कोई तोनसा में फर्क पड़ा है क्या एक बयान करूंगा आप एक खुली कचहरी पे आए थे आपने ये चीज़ें पॉइंट की थी ये मोटरसाइकिलों की ये भी अपना मोबाइलों की आपके आने के बाद इन लोगों ने मैं वल्ला कह रहा हूँ इन्होंने मेहनत की है SHO वहोवा SHO सिटी SHO रेतड़ा अपना SHO कौन सा आ गया सदर इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और देखें थाने भरे हुए हैं मोटरसाइकिलों के और बंदे भी पकड़े हुए हैं इन्होंने अपनी तरफ से खूब मेहनत की है मगर इनको पता तो नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है इसके बावजूद भी ये मेहनत करते हैं मैं कोई ना इनके खुशामद कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक मैं किसी को जानता हूँ किसी को नहीं जानता हूँ ये आप ये सिर्फ आपके उस दिन आने की वजह से ये सब कुछ हुआ है जी बस ये इनकी मेहनत है और आप लोगों के मुंह से जब ये मैं अल्फाज सुन रहा हूँ तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया नहीं ये मैं सही कह रहा हूँ अगर कोई ये कहे ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है मैं ये समझूंगा कि वो गलत कह रहे हैं ये लोग तो मेहनत कर रहे हैं हाँ जी और कोई बात करना चाहे आप लोग जी शहरी हैं यहाँ के आप लोगों का टाइम बहुत जनाब मियादुल साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि पूरी फेसबुक में इसके बारे में के ईमानदारी के और अपने ड्यूटी से फराइज से मुतलक अल्लाह वाहिद गवाह ये नमाज का टाइम है झूठ नहीं है आपके सामने कह रहा हूँ बहसियत बलोच और मैं ये पूरी फेसबुक में देख रहा हूँ शाबाश है मेरी तरफ से गुड अपना एक रियासत का ईमानदार अफिसर हो पुलिस में बहुत कम अफसर ऐसे होते हैं लेकिन ईमानदार आदमी हो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो दूसरी बात यह है सर कि आपको पता है मैं बलोच हूँ उससे पहले मैं मुसलमान हूँ उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ उसके बाद मैं बलोच हूँ ये पिछले दिन में कुछ हमारे मेहमान आए हैं उनका जो भी कोई मसला था बहसियत बलोच हमने उनके जलसे में शिरकत किया है गए उसके बाद हमने ये सहाफी सामने बैठे मैं 15 साल से छोटी सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ कभी रियासत के खिलाफ अदारों के खिलाफ अल्फाज तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है ये गवाही देंगे ये सारे लोग
और उसके पहले फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जो इस्लामाबाद में जो उस मारंग बीवी के बीबी के साथ हुआ, उनके बहसियत बलूच और मुसलमान, हमने बोला कि औरतों के साथ ये गलत हुआ है। मैंने उसको खाली एक अलामती प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक अलामती एहतजाज किया है, उसके बावजूद मेरे खिलाफ FIR यहाँ दर्ज हुए हैं जिस FIR के मैं हकदार नहीं था, और यहाँ मेरे खिलाफ ये लिखा गया है कि डंडे उठाए हैं इन लोगों ने, पत्थर उठाए हैं रियासत के खिलाफ। आज SHO साहब साबित करे कि मेरे हाथ में इतनी सारी कंकर भी नहीं था, क्यों मेरे खिलाफ FIR हुआ है? FIR जब हो जाता है पुलिस का पिछले का घर उजड़ता है, खर्चे होते हैं, वकील करने पड़ते हैं, बेगुनाही तो बाद में साबित होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करने चाहता हूँ, दरख्वास्त करने चाहता हूँ, एज ए पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब की माँ बहने हैं, जुल्म ज्यादती पंजाबी के खिलाफ होगा भी उठेंगे, बलूच के खिलाफ होगा भी उठेंगे, पठान के खिलाफ भी होगा उठेंगे, वो आईन कानून के अंदर रह करके बात करेंगे, आईन से मावरा आईन से बाहर कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी सारी बात के बाद ना मुझे तो जरा सा भी शक नहीं है कि आप मुहिब वतन नहीं है, मुहिब पाकिस्तान नहीं है, मुहिब बलोच पंजाबी पठान पख्तून, आप तो माशाल्लाह एक जीता जागता पाकिस्तान है सर मेरी। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि FIR होती है और उसके बाद आगे तफ्तीश चीज़ें होती हैं, तो आपने ये जो आज जज्बात का इजहार किया है कि मैं तो नहीं आपको जानता, आप शायद फाइव फेस ही जानते हो, लेकिन मुझे आपकी इस तकरीर के बाद कोई शक नहीं कि आप इस धरती के सपूत हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अवाम से, लोगों से, सबसे मोहब्बत करते हैं, और हम इसका इंशाल्लाह लिहाज भी करेंगे और आपकी तकरीम भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह उसमें अकोमोडेट भी करेंगे। एक और बात जी है, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि यहाँ क्यों सारे सहाफ़ी बैठे हुए हैं। जब डॉक्टर के पास के ज़्यादा रश होता है ना, समझो को लोगों को ज़्यादा नज़ला बीमारियाँ कोई वबा आ गया, जब आपके दरबार में लोग साइल ज़्यादा आएंगे समझो कि इंसाफ यहाँ कम हो रहा है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप में शक नहीं है, ईमानदार आदमी है, लेकिन थोड़ा सा SHO साहब को कहें केंडली कोशिश मजीद करें, लोगों के मसाइल हल करें, वरना इस इमारत को फिर SHO को ना बिठाओ, उधर फिर इसको टेंट लगा करके दो, उधर अपना ड्यूटी करें, थोड़ा जज्बात कम करें, थोड़ा मेरा जवाब देगा एक मिनट सर। मैं साहब का बात जी, आपने दो महीने में हालात देखे हैं, चेंज हो गए हैं सर, सर सर डकैती कम हो गई है, मानते हैं कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं सर, शायद आपके आपकी बात सही नहीं है। लेकिन अब आप जैसा जिम्मेदार बंदा है, जब मुअज्जज़ बंदा एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है तो थोड़े से हकाइक देख के देखें। सही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट वन वीक में स्नैचिंग कोई नहीं है, ठीक है, पूरे महीने में हमारी कितनी है जी, दो या तीन आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। मोटरसाइकिल चोरी रोजाना की 4 से 5 थी यहाँ पे कौनसा में, मैं ये नहीं कहता जीरो हो गई है, बट वो 1-2 पे आ गई है, वो ग्रुप भी पकड़े जाएंगे, तो चीज़ें ऐसे ऐसा बेहतर हो जाएंगी एकदम 24 घंटे में। ओवरनाइट तो कोई तरीका कार नहीं है ना कि हम ओवरनाइट सब ठीक करते हैं, हम आ रहे हैं, हमने यहाँ पे SHO नया लगाया, हम मैं खुद भी डेली वहाँ पे भी सुनता हूँ लोगों को, यहाँ पे भी इसीलिए आया हूँ कि अगर कोई चीज़ वहाँ मिस हो जाती है तो यहाँ पर आके हम उसको हल निकालें। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जिस तरह आपने पहले सारी बात बताई कही, मैंने उससे आप इत्तेफाक किया, इसी तरह जो क्राइम में कमी है वो जब आप उसको सही फैक्ट्स बताएंगे ना तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा। मेरी हमारी मेरी टीम है ना, ये सारे मेरी टीम है, मेहनत कर रही है, रोज़ डांट भी खाते हैं, रोज़ शाबाश भी लेते हैं, मकसद सिर्फ एक है कि आम बंदे को रिलीफ मिले, उसमें मेरे से कमी कुताही हो सकती है, नेगलिजेंस हो सकती है, 24 घंटे होते हैं, जो इधर DG खान है, डिस्ट्रिक्ट है, जितने मामलात हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कोई 28 घंटे अपना कोई 32 घंटे का दिन हो जाए, हमें 3-4 घंटे और रोज़ मिल जाएँ, तो इस सारे के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आपने फिगर्स के साथ बात करनी है मेरे कि सर या भाई जो भी कहें कि 3 महीने पहले इतनी डकैती थी, इतनी चोरी थी, अभी इतनी है, वो ग्राफ अगर नीचे होगा तो मैं आपसे थोड़ा सा एप्रिसिएशन ले लूँगा, वो ग्राफ ऊपर होगा तो आप मेरा गिरबान पकड़ें। ऐसी
हैसियत नहीं है, आपकी आवाम की, आवाम ने मुझे पूछना है। वारदात बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, आप मेरे से पूछें, मैं जवाब दे, मैंने जवाब देना है। मैंने ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारी थोड़ी सी मेहनत, हमारी थोड़ी सी एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करेंगे तो इनका भी हौसला बढ़ेगा, ये और मेहनत करें। नहीं सर, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। हम आज़ाद हैं, ये हमारे मुलाज़िम हैं, हमारे भाई हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी कौंसिल का रुकन सर और इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्टिविस्ट हूँ। बात यह है कि आपकी जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये मैं इनको अपना भाई समझता हूँ, ये हमारे तबके से लोग हैं। आप इनको ये हिदायत करें कि रियासती एजेंसियों की तरफ से आपको अगर कोई आर्डर आए तो कम अज़ कम आप इन कानून की वायलेशन ना करें। 15 और 16 तारीख की दरमियानी शब्द मुझे मेरी दीवार फैलाकर कर तौसा पुलिस ने मुझे उठाया और मुझे डेरा गाजी खान चौकी नंबर 4 में रखा गया 20 तारीख तक। मैंने ऐसे चौहे खड़ा है, मैंने कहा मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि ताकतवर लोग हैं। वो नाम क्या है? जुल्फकार ब्लॉक। मैं पहली दफ़ा नहीं, दो दफ़ा पहले भी मैं, मेरा ताल्लुक है और मैं इस वक्त उम्मीदवार हूँ 285 में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के टिकट पर। अच्छा, मैं मुझे एक मैं देंगे जी सर, कॉल है ज़रा। अल्लाह नवाज नबीन अगले दरखास्त दी समीउल्ला दी तो रखी नबीन अगले तो दोस्तों असाइन टाइम थाना सिटी मौजूद है, डीपीओ डीजी खान अहमद मोहियुद्दीन। डीपीओ साहब आ गए, इसमें शाजी जरा बात सुने, मेरी एक अर्ज सुन ले। हाँ जी, हम पाकिस्तान को जानते हैं, कोई रियासत के खिलाफ नहीं है, मैं इस रियासत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक जलसा हुआ तो कुछ हमारे ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर नजायज़ मतलब FIR, 2 FIR, 1 सिविल थाने में डेरा गाजी खान में, एक ही तारीख की कि भाई इन्होंने जो ना रियासत के खिलाफ नारेबाजी की है, कोई वीडियो दिखाएं। शाह जी इस तरह करते हैं, जुल्फकार शाह नाम है ना आपका? जुल्फकार बलोच। तो कल जुमे के बाद हम चाय पिए इकट्ठी? बिल्कुल, आ जाए उधर ही मेरे पास, ठीक है। खाना कहेंगे खाना खा लेंगे, ठीक है। नहीं बस चाय पीने की, चाय पी लेंगे, ठीक है। सदर मेजर मोहम्मद तारिक FC बलोचिस्तान। तो बस सर, अगस्त से मेरे घर की जो है ना बिजली खंभा गिराया था, उसके बाद बाबडा वालों ने गए, मैंने बाबडा वालों को कहा वो आए कर देंगे। यार बैठ जाओ भाईजान, थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाओ, बैठ जाओ भाईजान, बैठ जाओ पीछे हो जाओ। बाबडा के सारे वो है वीडियो वाले ही है, ये साइड पे बाबडा के SPO साहब वो आए खंभे के लिए, यार सारे निकल चुके खंभा लगाने के लिए, नहीं छोड़ रहे। उन्होंने फिर ये अस्तगासा भेजा थाने रहते को, इनके खिलाफ FIR करें। तो SHO साहब ने बिल्कुल, मैं खुद भी किया, मुझे DPO साहब DSP साहब ने भेजा,
तो एस एच ओ साहब ने मुझे कहा कि मैं कल फैसला करूंगा, परसों फैसला करूंगा, इसी तरह होता होता मुझे आगे ले गए। उसके बाद फिर मैंने अदालत रजू किया, अदालत रजू किया, फिर जज साहब ने इनके खिलाफ एफ आई आर का फिर हुक्म दिया। फिर जो है ना एस एच ओ साहब की किसके खिलाफ है भी? ये मुलजम है चार जिन्होंने मेरा खंभा गिराया। मुझे उससे एफ आई आर से कोई गर्ज नहीं थी, मुझे सिर्फ बिजली से गर्ज थी। चार महीने से मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी वाइफ, मेरी बहन, क्या किसी के दूसरे घर पानी भरने के लिए जाए? ये जैसे मैं एक मुलाजिम तुरबत केस किधर पड़ा है, मैं उधर से स्पेशल इसके लिए आया, ठीक है? ये कोर्ट का वो है, ठीक है? उसके बाद भी दाएं बाएं करता रहा, उनको हफ्ता डेढ़ फिर लेट किया। कितनी छुट्टी है? मैं एक महीना छुट्टी आया हूँ टोटल। एक महीने में हो जाएगा ये आपका मसला? सर जी चार महीने से बच्चे अभी पानी पीने का। एक महीना मुझे भी दे दें सर, ठीक है सर, एक महीना मुझे भी दे दें सर। जिस तरह आप गए मेरे आप बाला अफसर हैं, एस एच ओ को बताएं जी सॉर्टेड आउट मसला शसला जो भी है, खंबा वापडा ने लगाना है खंबा। सर वापडा वाले दो तीन दफा आए, मैं खुद भी गया इसके पास, वो कहते हैं कि बंदे आ जाएं। उन्होंने वापडा वालों को उन्होंने नहीं लगाने दिया? जी सर उन लोगों ने लगाने, ये देखो मुकम्मल नहीं लगाने दिया, ठीक है, नहीं लगाने दिया। पर्चा दे सर, मैं इसका भाई हूँ, मैंने अपने नाम पर दरख्वास्त दिया है एडिशनल, उसने भी इनके खिलाफ। आपकी लड़ाई तो नहीं आपस में? नहीं नहीं लड़ाई नहीं है, ठीक है। अच्छा उसने भी ऑर्डर कर दिया, अब मैं डीएसपी के। हाँ जी हाँ जी अच्छा चलो मैं करता हूँ 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट, ठीक है। वो आप कर लो उसकी दवाई शवाई दे लो, ठीक है। ओके 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 सर, ये चीज़ें डिले कर देता है ना, फिर अदालतों में जाके वो दूसरी स्टे ले लेते हैं, फिर तीसरी स्टे ले लेते हैं, फिर तीसरी। अभी मैं बस आप स्टे चल रहे हैं जी सर, ये हमारा वो जाकर स्टेट है उसको मौका दे देते हैं। साहब ने एफआईआर का हुक्म दिया है मेरी मुदय्यत पे, मेरी मुदय्यत पे एफआईआर का हुक्म दिया है। मैं फिर एफआईआर के लिए थाना रेंद्रा गया, एफआईआर करके शाम तक गिरफ्तार करवाया उसे, ठीक है ना? और इसका मसला हल हो जाएगा। अच्छा एक मिनट ठहर, एक मिनट जरा थोड़ा सा ठहर जी। अच्छा ये हमारे पास बहुत सी दरख्वास्तें हैं और टाइम थोड़ा है। अच्छा किसी और ने तो नहीं बात कर रही जो किसी दरख्वास्त के अलावा? जी आप ये सर करना चाहते हैं सारे पर एक बात एक की सुन ले जी सर। जी सर जो आप पर इत्मीनान का इजहार है जितने मखलूक आई है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बाकी ऐसे चौड़े तरह के बारे में कहना चाहता हूँ, पहले से क्रम कम यानी जो 100% कम हो गए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप जुर्म के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर तरफ से, शाबाश शाबाश, आप मुझे ये बताएं कि मंशियात के बारे में आपके क्या तजियात है? आज तक कोई खबर नहीं मिली जो कोई बड़ी या भारी खेप कहीं से पकड़ी गई। कहती स्नैचिंग रुक गई, अब मंशियात पे चढ़ जाते हैं इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, ठीक है जी। हाँ जी एसएचओ साहब, मुर्शिद कब खत्म हो रही है? कौन सा से इस एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी? कोई डीलर कोई बेचने वाला इधर मौजूद होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। अगले अगली खुली कुचारी में इंशाल्लाह मुर्शिद को बात करेंगे। साइकिल का क्रेम जो बढ़ गया है नहीं बढ़ा, गलत बात कर रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट, सेहरा अगर खत्म हुई तो मेरा मेरी हो चुकी शादी, सेहरा और नहीं चाहिए, मेहरबानी करें जी, मेहरबानी करें भाई। सर 2 महीने हो गए मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, मैं तकरीबन। एक मिनट पहले आपने कहा क्राइम बढ़ गया जी, इस हफ्ते भी मोटरसाइकिल काफी चोरी हुआ है सर। कितने? तकरीबन 4 मोटरसाइकिल चोरी हुए इस हफ्ते। इस हफ्ते जी सर। 2 महीने पहले कितने होते थे? रूटीन एक बार ही चल रही है सर। अच्छा सर डेली 4-5 होते थे? ये सर पहले तो अपनी वो स्टेटमेंट ठीक करें ना। अच्छा ये अच्छा थोड़ा अगर पीछे हो जाए तो अच्छी बात है। 2 महीने हो गए सर, 2 महीने मैं आ रहा हूँ इसमें, थोड़ी जगह दे देंगे पीछे वालों को भाई, खाली कर देते हैं। आप एक साइड पे आ जाए ना, मोबाइल वाला आप एक साइड पे आ जाए। ये सर ये नपीना इसके चाबी पे सा और दूसरा साइड पे ठीक है, अब हिट पर से आ जाए पहले ऊपर करना लगता है यार। मीडिया वाले भाई मुझे दरगाह से नपीना सही था, इसमें साल
हाफिज मोइन साहब तौसा शरीफ इतनी नहीं पी है थाना सिटी च मैं खुली कचहरी काल करना है हो जाते जी वैसे सही साहब लिख लेते हैं एसएचओ साहब नाल खड़े ओते को कर कल तक तू मौके दे हो गया हो जाएगा 3 दिन कल तक करके तुम दसे ठीक खबर तू ही देता जी जी मैं रिपोर्ट दी उधर हां तो है भी एसएचओ नाल मिल गई जी लड़ो बना एक मिनट खड़ी ना कितने रिटायर ब्रिगेडियर मुश्ताक ने अच्छा उठो वाले कदु कब्जा बहुत दिन हो गया माल माकला माल को कितने दिन हो तकरीबन 3-4 साल हो गए 3-4 साल का पुराना है ना माकमा माल को मैं दरखास्त देकर था अब उसका बेटा जी सी है वो फोन कर देता एक काल होते बस सब खत्म बात ये कि वो 3-4 साल पहले का कब्जा है ना तो वो तो अदालत से लेना है वो तो अदालत से लेना है ओहो मुझे काल की नहीं फिक्र हमारे काल यार मेरी बात मैं खुद सो नहीं पड़ा कॉल कॉल मुझे तो नहीं अब अगर ये पुराना कब्जा है और आप कहते हो कि पुराना कब्जा है पीछे उसको हम देख लेंगे कि हमारा क्या जो है अगर कुछ शक्त होते इस केस की डिटेल मुझे दिखाएं दें जी ठीक है सारे ठीक है कब कब्जा हुआ कौन हुआ इंतकाल कब हुआ क्या चेक करें ना तो इंतकाल गिरफ्तार हां प्याज वाला इंतकाल हो गया उसको नहीं प्याज वाला रिश्तेदार है कौन का है रिश्तेदार भी सर जी प्याज को पड़े ने इंतकाल में देखो आप प्याज चलो देख ले सर आपसे 2 मिनट लेता हूं सर पुलिस एकेडमी से मैं रिटायर जी हेड कांस्टेबल शायद आप मुझे जानते होंगे देखे देखे लग रहे हैं आप मुझे अल्लाह बख्श बने बच्चे पुलिस एकेडमी में इंचार्ज हॉस्टल था एसपी उनका नाम इंचार्ज हॉस्टल थे जी तो आप तो बड़ा तंग करते थे मुझे आपको मैंने कभी तंग नहीं किया आज मैं खुद तंग होकर आपके पास आए चले बताएं उधर ट्रेनिंग में आप हमें वहाँ पे बाहर निकलने नहीं देते थे 10 बजे से वो सर शिकायतें लगा देते थे चलो आज हमारा तो सुन लो शिकायतें हैं आपके तो सर सबसे पहली बात यह है कि हमारे तहसील तो सब मैं अपना फर्दन बात नहीं कर रहा मैं पूरा तहसील के बारे में आपसे ही बात कर रहा हूँ 7 बजे से बाद कोई बंदा महफूज नहीं है सामने एस एच ओ से खड़े हुए बकाया पुलिस खड़ा हुआ कलाशन कोकू के साथ डाकू मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं किस जगह पे एरिया महमूद गार्डन में चोरी हुआ कलाशन कोकू के साथ ये डेट तो मुझे नहीं पता है एस एच ओ से आपको पता है एफ आई आर उसने कराया मौके पर भी गए ठीक है दूसरे चार दिन पहले हुसैन कॉलोनी में हाशमी चौक के साथ बेरोज मंदवानी का एक सी डी मोटरसाइकिल था वो भी गन पॉइंट पर खींचा कितना नाला हाँ दोनों एफ आई आर हो गई हैं मेरे मुझे एफ आई आर का इल्म नहीं है मैं आपको ये शिकायत दर्ज कर रहा मनु तो पता है ना एफ आई आर हो रही हैं कि नहीं हो रही अच्छा दूसरी बात ये है कि चोरी उरूज पर है मेरा अपना चोरी हुआ है मैं बार बार स्थान में आ रहा हूँ मैं कुछ क्या चोरी हुआ मेरे सोलर गया मोटर गए मैंने एस एच ओ साहब को अपना तारीफ करा के सामने मैंने कहा मैं पुलिस अकेडमी से रिटायर हूँ मुझे न देखें 1600 एएसपी की तरफ देखकर कि कुछ मेरा मसला हल करें वो नहीं हुआ है दूसरा मेरा अपना कबीले के बंदे ने चोरी की है पकड़ा गया है मौके पर बंदे का आंख निकाला है उसके घर मैं अभी गारंटी से कहता हूँ ये पूरा तहसील बैठा हुआ है पुलिस क्यों नहीं जा रहा है वहाँ क्यों सामान रिकवरी करके नहीं ले आता है अभी भेजें भेज दो पार्टी तैयार करें जिनके साथ लें इसको खुद पता है बंदा पकड़ा हुआ है सर वैसे बंदा पकड़ा हुआ है सामान उसके घर में है 7 तारीख से सर हमारे पास बैठा था कल हमने उसको रिमांड पर भेज के पकड़ने की पूरी कोशिश की रेड किया घर से पकड़ा हुआ है तो फिर वो पकड़ा हुआ है अच्छा अब मेरी बात भी सुन लेना सर दो वाक्य आपने बताए दोनों पे एफआईआर रजिस्टर्ड है बिल्कुल ठीक है इसको तो इनकरेज करें पहला तो खा जाते थे ना पता ही नहीं हूँ रिकॉर्डेड हो गया ठीक है वो हमें तकरीबन आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है पकड़े जाएंगे
ठीक। दूसरी बात, जो छोटी मोटी चोरी मोहल्ले में इधर उधर होती वो जाहिर है कल होती है, उसको भी होता है, लेकिन उसमें भी कमी आई है, डकैती में भी कमी आई है, मोटरसाइकिल चोरी में ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा कि मैंने ख़त्म हो गया, पिछले दो हफ्ते में 3-4 डकैतियाँ हुई हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है, इंशाल्लाह उनको पकड़ भी नहीं। ख़त्म करने का तरीका हमें आता है, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता। नहीं, वो आपके आप कहना आसान होता है करना ना, आप सोच लें, दो नंबर तीन नंबर हॉस्टल के मुतालिक कहना आसान होता है। सर मैं आपको कह रहा हूँ, दो नंबर हॉस्टल याद रखें, करना हो सकता है, लेकिन वो तरीका अभी मैं आपको क्या बताऊँ यार, भरे कचारी में मैं नहीं बताता हूँ, कभी अगर अल्लाह ने मौका दिया डेरा गाजी खाना हो, आप हमारे उस्ताद हो तो उधर आके मिलो ना, मैं दावेदार हूँ, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, तो हमारे सामान का सिफारिश करें। हो गया, सिफारिश क्या, आप हुक्म करें, नहीं हुक्म ना, सिफारिश करें, आप एफआईआर भी करें और इनका जो है ना वो रिकवरी करें, हो जाएगी। मैं अस्सलाम वालेकुम सर, जुबैर महबूब सर, एफडीआरएस के वन टोटो, 17 जनवरी 2023 को मेरा वक्त सर मोटरसाइकिल चोरी हुआ, तो अभी तक सर हमें कोई 17 अक्टूबर को जी सर, तो इसलिए सर आपकी दरख्वास्तें ऐसी हैं, ये सारी ये 30 रिकवरी मोटरसाइकिल चोरी की या स्नैचिंग जी सर, हमारा पहला मकसद था यहाँ पे हम स्नैचिंग और चोरी रोकें, करें वो काफ़ी हद तक, उसमें SHO साहब बताएं आपने कितने लोगों को अभी तक कितना कंपनसेट किया है? मैंने तकरीबन सर कोई 13 लाख के करीब रिक्वेस्ट दिए हैं, उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन 13 लाख के हमारे उसके आप एक दो दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस जी सर कर, ठीक है, और जिन लोगों को दिया है उनको भी सामने जी सर बिल्कुल, ताकि दूसरों को भी हौसला हो, उनको पता हो 12-13 लाख रुपया 2 महीने में हमने चोरों डकैतों से रिकवर करके लोगों को दिया है, इसकी कोई नहीं बात कर रहा जी सर, हम अप्रिशिएट करते हैं आप पुलिस को सर, ऐसी बात नहीं है, जो ये दरखास्तें हैं जो ये 25-30 हैं आपने SHO साहब, अब अगले जो भी मैंने आपको एक पॉलिसी बना बताई है, तरीका बताया है, उसमें हमने अगले महीने डेढ़ में इनको प्रायोरिटी वाइज की लेटेस्ट हुई है करके, ठीक है ना, अगर इनसे बोझ ज़्यादा हो गया फिर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से, ठीक है, बट अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो मेरा हाल है 600+ मोटरसाइकिल है, कितनी है 200 सर, किसी साल के सर्कल की 600 तो सर हमारा 200-250 मोटरसाइकिल है जी सर, 200-250 मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो जी तो इन पे मैं डाल दूं तो ये तो फिर सर तो जमीन भी बेचनी पड़ेगी, जैसे हमारे साहब ने रिकवरी की है ना सर, तो रिकवरी मुकदमा वाइज नंबर होती है ना, हमारा तो 17 जनवरी का 2023 का सर 28/23 रिकवरी का हमने किस तरह पहले किसको करनी है, सर वो अभी जिसका फ्रेश स्नैच हुआ है मेरे लिए वो ज्यादा प्रायोरिटी है, जब मैं यहाँ पे नहीं था पिछले साल हुआ है उस वक्त काम था उनको पकड़ना, बट वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है, थैंक यू सर, अच्छा एक मिनट, अब ये आपकी सारी रिकवरी वाली दरख्वास्तें हैं, ये कौन है जी, ये हमारी है सर 302 के, कब हुआ था ये सर, जमील पांचवा दिन है, थोड़ा ही दूर है, हम आपके पास आ रहे थे, हमें पता लगा ये मुजल है, जमील वो अभी जमानत करा चुके हैं, 5 दिन कुछ भी पुलिस ने जमील ने चेहरे तो कर दिए किया और उनको पकड़ा भी नहीं, तफ्तीशी कौन है सर, खादिम, खादिम खादिम की तरह ये हमारे साथ सर, खादिम हुआ खादिम, और कोई बात भी नहीं थी, उनको मना किया वो गालियां दे रहे थे, जुर्म हमारा ये है भाई, भाई था नहीं, वाले नहीं वाले साहब, मैं एक बेटा हूँ वाले साहब का, ये मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है साथ ये सामने, हाँ जी खादिम के, तो रहम करें खादिम, गिरफ्तार क्यों नहीं किए थे ये सर, ये जुल्म हुआ है हमारे साथ, यकीन करें ना, मुझे बात तो करने दो यार, आपकी सुनी है ना, हाँ जी मिले नहीं सर, आपको नहीं मिले वो अदालतों में पहुंच गए हैं सर, उनकी जमीन तो नहीं खा गई सर, इनका बेसिकली तौर पर गली में लड़ाई हुई है दो लड़कों के साथ, उसमें दूसरे लड़के ने बुला लिया इसको मारने के लिए, ये जब घर से बाहर निकला इसके वाले से हार्ट पेशेंट, जो ही इनको देखा कि लड़ाई हो रही है वहीं पे गिरे, उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनको गुस्से मारे हैं सर, हमने 302 दिया था उनको, बुजुर्ग को बेहिस मारा है उन लोगों ने सर, थोड़ी स्टेटमेंट देख के ठीक है ना, ये सिंपल मर्डर जी सर, ठीक है ना, चलो मुकम्मल करें, अभी उनको सर रिलीफ दे रहे हैं सर, ये कैसे दे लेंगे यार, कैसे कैसे रिलीफ देंगे सर, 5 दिन में नहीं पकड़ा सर, चलो सर ये ऐसा तो नहीं होता, बुरी खारिज करा के मेरी छोटी सी बेटी से आप पूछे वो क्या कह रही है, ठीक हो जाएगा ये इस पे जो है ना, घर वाले किधर है, यार सारे इंडिया चले गए, कोई नहीं है, कितने चले गए, कितने उन्होंने पिंड, कितने कार और कितने ने, कितने ने
घर यहाँ किधर चले गए? मोबाइल नंबर क्या है उनके? दिखाओ दिखाओ मोबाइल नंबर कहाँ लिखे हैं? मोबाइल डाटा भिजवाया आपने? भिजवाया हुआ डाटा मोबाइल डाटा पहले दिन भिजवाया आपने उन मोबाइल जब मुलजिम भागे हैं कहीं? क्यों? ये मेरे बूढ़े एक मिनट सर, क्यों वजह? क्या ये बकरी चोरी हुई है? ये एक मिनट यार मुझे बात करने दो, बताओ ना बकरी चोरी हुई है? तुमने क्या तफ्तीश की है इसमें अभी तक? वो हार्ट का पेशेंट था इसलिए वो चला गया। हार्ट वाले को जीने का कोई मकसद? यार बात तो मुझे करने दो तुम। पहला मर्डर था वो उसमें पास मोबाइल नंबर आई एम ई घर देने में क्या देर लगती है? आप क्या फिर तफ्तीश किया आपने? कितने बंदे इसमें क्लोज किए हैं कि वो बताओ कि वो किधर है? बताओ ना आप मर्डर को इस तरह डील करते हैं? एसएचओ साहब सर और रेट छोड़ो ना, मैं गल पूछ रहा हूँ कि उधर मोबाइल नंबर कितने हैं? टेक्निकली क्या किया इसको? अगर तुमने उसी वक्त आईटी में बताया होता कि ये दो नंबर हैं इनकी लोकेशन ले दो मुझे, अगले दिन चेक कर लेते कहीं नंबर ऑन हुआ है नहीं हुआ है। क्यों बताओ ना वजह? ये फिर सेवन डेज में आपने इसकी बुरी और ये खत्म ना की? छोड़ दिया बुरी बुरी फड़ो ठीक है ना, फड़े और दूसरे पर्चे में फिक्स करो। ये 302 है, मजाक तो नहीं है ना, और तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है ये। कौन है जी? मोहम्मद हनीफ। हाँ जी, आपके मुलजमान पकड़े थे? नहीं सर, नहीं पकड़े। ये दो बंदे जो पकड़े ये कौन थे? थोड़ा सर किसी को भी नहीं पकड़ा, इन लोगों ने रिलीफ दे रहे हैं उनको। मुकदमा इनकी अबूरी खारिज हुई थी 2005। अहमद तैमूर कौन है? मोहम्मद तैमूर इधर तौसे शरीफ का है, ये अहमद चिश्ती भी तौसे शहर का है। 13 जून 2022 को इनकी अबूरियाँ खारिज हुई थी सर। 9वें महीने की 25 तारीख को मुझे बताया कि ये जो है ना दो बंदे बेगुनाह है, जिसके बावजूद मैंने तफ्तीश चेंज की थी। नामजद किए थे ये? जी सर। किस बेस पे? सर जी ये नामी गिरामी चोर है। नामी गिरामी चोर होना और बात है कि जी आपकी चोरी में ये शामिल है, ये कैसे पता है आपको? सर जी एक बंदा इनका जो है ना मेरी रिकवरी की है, एक आदमी ने 1.5 लाख रुपया रिकवरी किया। इन्हीं के साथियों ने? साथी ने जी हाँ, नईम शहजाद। नईम शहजाद इनका साथी है? जी सर। फिर कैसे ये दोनों बेगुनाह हो गए? सर जी इन के पांच आदमी के हल्के अभियान जमा है, हलफ उठा कर वो नहीं दे रहे हैं। जनाब सर मैं 6-7 महीने हो गए पर्चा नहीं हुआ, पहले ऐसे चुआ गया गर्दा करदा बाद दो लगा गए, दूसरा इवन लैंड करदा है पर्चा नहीं हुआ सर, चोरी का
सिटी चल रहा है। कब हुई थी चोरी? कब गए? मतलब 5-6 महीने हो गए सर। फ्रेश करके पता है आपको चोरी? जी जी जी। इसके साथ करके थाने आप अभी आए थे दोबारा? जी दोबारा थाने आए थे? नहीं बार बार है सर। इतना एसएचओ साहब ये नहीं होना चाहिए, आइंदा थाने जो बंदा आएगा उसको ई टैग भी मिलेगा और क्यूमेटिक भी मिलेगा, ठीक है? अम्मा उठे बैठे रहो, इससे अम्मा से पूछो, इसके दोनों सके बेटे हैं वो, बस पूछो सर। सके तेरे बेटे ना अम्मा तो नहीं बेटे सके पुत्र ने सके पुत्र सके पुत्र सके पुत्र सके पुत्र बेटे बेटे सके जमीन पर ना बंदे ना ना नुकसान की दवा के ज्ञान वाले बेटे ने भाई ने के बेटे ने सके बेटे कितने ने वो बेटे आए नहीं एसएचओ साहब दोनों बेटे रेस्ट करें रेत्रा थाने में उसको बताएं जमीन नहीं देखने की जरूरत किसकी है किसकी नहीं है बेटे यूं कर रहे हैं ना माँ के साथ रेस्ट करें उनको जरा फिट किस्म के पर्चे में फिट करें ठीक है ना ये उसको बता दें ऐसे अम्मा माफी पटा के निकल अम्मा पढ़ लेने आज पढ़ लेने हैं हो जाएगा जी कौन है जी अल्लाह दिता नहीं आपकी जमीन थी गंदम आपने लगाई हुई थी नहीं लगाई नहीं ट्रैक्टर नहीं मारने देते उससे पहले किसने फसल लगाई हुई थी वहाँ फिर क्या हुआ फिर कूड़ा सच्चा जरता स्टाम लेकर आए हैं नहीं जब आप उसके बाद उन्होंने रोका कब आपको एक साल पहले रोका था फिर हमने जोर जबरदस्ती लगवा दी थी फिर दोबारा वो टाइम आया ना फिर उन्होंने ट्रैक्टर रोक दिया उसके घर करीब तो पुलिस को बताया था आपने पुलिस कौन सी पुलिस को रेत्रा पुलिस दो महीने हो गए बार बार आज नहीं कल आज नहीं कल अभी टाइम भी गुजर गया सर हमारे छोटे छोटे बहन बहन है क्या उससे पहले आप उस पर फसल लगा रहे थे जी हाँ कब से आपके पास वो जमीन दादे के पास थी अभी मेरे बाप ये कोई कब्जा माफिया है जो बीच में आया या कोई कौन है रिश्तेदार है वो बटेरे लोग रिश्तेदार है नहीं रिश्तेदार भी नहीं तो रिश्तेदार भी होते ना और थाने में मैंने कल डीएसपी को मिले थे आप बाला सर भाई डीएसपी को दरखास्त दिखाई थाने में दो महीने हो गए नहीं उस पर कोई अमल दरामद नहीं कल मैं थाने गया फिर उन्हें ठीक ठीक टाइम में से गुजर गया ठीक ये दिख रहा है शोकास टू एसएचओ सर हमारे कहते हैं दो कनाले हमारे को दे दो फिर अपनी जमीन कर लेते आज इस पे वेरीफाई करके कब्जे का पर्चा देके दूसरी पार्टी को उठा अगर इसकी यही स्टेटमेंट है अगर उल्ट है तो मुझे वो रात को बताए एसएचओ को शोकास दे के दो महीने से अगर ये आ जा रहा है तो क्यों नहीं इसका यस नो किया अभी तक ठीक है ना सर हमारे को ऐसे समझा जाता है जैसे गाग आया हो अंदर आप बेफिक्र हैं मैं नहीं ऐसे समझ रहा ठीक है सर ठीक है यार बंद हाँ वो जो है मैंने आपका नंबर भी लिया है मैंने कॉल भी आपको मैंने वो तंग आप ही कर रहे हो मुझे है ना नहीं सर हाँ तो वो देख रहे हैं ठीक है मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा जल्दी आऊँगा कुछ भी नहीं है ऐसे हमारे जमीन से आज रात तक फैसला हो थैंक यू सर ठीक है ना कल अगर एफआईआर नहीं होती और वो मसला होता है मेरे पास दफ्तर आ जाए ठीक है देख ले मुनीर हुसैन मेरे को ले नहीं यार किराया वापस दे तो दे मोटरसाइकिल दे पेट्रोल पाए मांग को 500 का पेट्रोल पाओ जी वापसी ठीक है ना चलो मुनीर हुसैन वल बम्बा नवाज ये आ कर सलाम बराबर आ गए कोई बर्दाश्त जी हां वो है हां जी वो है हां जी मुनीर का क्या केस है भाई एसएचओ के पास आए थे आप एसएचओ के पास आए थे जी हां कदू अल्ताफ साहब ने बोला अल्ताफ साहब ने मौली अल्ताफ उन्हें बोला है तेरा चार अल्ताफ कौन है जी उन्हें तबादला थी गया पुराने मौली अल्ताफ से ऐसा ये मेरे पास पहले भी आया था जिसका देख ले मामला अगर अभी फ्रेश कब्जा हुआ है
भोवा में इधर है ना सर पहले उधर इसका देख लें है तो कब्जे का पर्चा दे और अभी तो कोशिश कर रहा है ना किया तो नहीं कर रही थे सर ए पिछले दफा दिन दौरे को समय था उसका कोठी बना लगा हाँ जी चेक करो और जो कब्जा माफिया है ना इन जरा लगाम दो ठीक है ठीक है ठीक है रशीद अहमद रशीद अहमद रशीद अहमद वल्द गुलाम मुस्तफा बख्ती इन आवण दे कुथी आवण दे बख्ती बख्ती आ जा लो बख्ती भाई पे बुला लो हां जी आप रशीद अहमद जी जी क्या मसला है आपका मसला है शरारत शरारत है यही रोड पे थाने आया मैं थाने ले अस्पताल के लगा मैं आदमी ने इंदराज की थी उत्थां किया जरा बोले उत्थां आके ने जब ही यही थाने हाँ जी पल अस्पताल गया अस्पताल वाले को कॉल मारी ने भाई सर्टिफिकेट एमएलसी ना दिवाए किने कॉल मारी थाने चो थाने चो कॉल उन अमला जरा बैठे ना उन्हें मगु दे से उन्हें पूछना सी ना किने किने जिन्हें नई दरख्वास्त लिखी 20 तारीख पिछली 20 दी बोरर सरकार गड्डी दे रोड दे इंदे विच ना दंदे वाली एमएलसी ए ना इंदे विच जरा ना ओ दीती ना मगु दी दली कब आया था 60 फिर क्या हुआ एन सर जी इसका वाले तो सारे भाई इकट्ठे हो गए तेज के खिलाफ ये सारी गलती ऐसी भाई आपस में लड़े थे नहीं भतीजे भतीजे और भाई हां रोड दे उते नुकसान की तने काफी सारा मिला अस्पताल दी एमएलसी भी है रिजल्ट की कोशिश की रिजल्ट पेश करनी है ठीक है भैया भाई भतीजे लड़ रहे हो उसमें पुलिस पर जान खतरा है ना वाल भी खतरा है वाल ये लड़ाई थी भी रहे हैं वाल साहब जी नुकसान थी मैंने जानी वाल भी पुलिस कुछ ना करे सी नहीं कर सी जब भी तुम भाई के साथ लड़ोगे या अपने खुद लड़ने खुद रोड पे वो लड़ ठीक है हां जी ये कौन है बख्ती बख्ती भाई हां जी तुम करा बोल अभी तक करेगा मौका देखने के लिए अच्छा इस पे जो है ना एसएचओ ये इसकी जरा मिक्स सिचुएशन चल रही है इस पे जरा फैक्ट फाइंडिंग करके मुझे आपने दो तीन दिन में बताना है कौन सा एरिया आपका अरशद जी सर ये मुझे फैक्ट्स चाहिए पूरे केस के फैक्ट्स चाहिए कुछ मैंने सुना है इनको पहले कभी ये मुझे ठीक लग रहे हैं कभी दूसरे लग रहे हैं ठीक है सो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स देख के फिर हम फैसला करेंगे इस पे क्या करना अल्लाह आपको इज्जत दे ठीक है जजाक अल्लाह खैर अल्लाह आपको इज्जत दे जजाक अल्लाह रमजान कौन है यार मजीद को माजूर को पढ़ो फियाज इलाही कौन है फियाज इलाही फियाज इलाही है कोई फियाज इलाही वाला नबी बाजी जिद्दी आ गया रसूल बाज रसूल बख्श भी कोई नहीं माजूर मल्ला दरान क्या कहते हैं जी कौन सी मस्जिद है जी सामने इसको क्या करना चाहते हैं सर कि ये गेट यूज करते हैं नमाज पढ़ने के लिए हासिल में ये है ठीक है ये चाह रहे हैं कि ये जो दरख्त खड़ा के पीछे हम अपना दरवाज़ा खोलें इधर से इस पिलर के साथ हमें ये पार्टीशन कर दें मस्जिद अलग मोहल्ले में कोई शोर है हो गया जैसे कहेंगे बस ठीक है सही दीवार देते ना 10 फुट दी गोल है सारे बुजुर्ग कोई बात हो जाएगा वेल डन सर वेल डन सब दर से दरवाजा दे के रास्ता दे के तो मोहल्ले के लिए मस्जिद ओपन कर साढ़े उत्ते यो भाई इंतकाल है साडा साकू रकबा नहीं वांगा देने साडो ते झूठे ही केस किती पा कब्जा तोड़े को जा कब्जा साडो को 69 दा 1969 दा बेटे ना हसा बहने गुण तक बहने रहे हुन बहने डाल तो चा झोक भुट्टा सदर कौन सा हां जी सर सिटी तो जी जी सर पहले थाने आए दरखास्त दी सर ऐसे तो सर तो आपको आए से मिल गया सर तुसा के सर तो आपको मिल गया सर तुसा ताई के मौका देखो अगर तुम्हारी काश तांदी पे ता
और वो कैसे लोग डिठे न अगो वाला तो सड़िया भी नहीं सकू नहीं थानेदार के शबीर उससे पहले किसने आपसे पूछूं तो आप बता दें उससे पहले किसने काश वहाँ कोई नहीं बता रहा क्योंकि साहब साहब रिश्तेदार हैं वहाँ के एक ही बस्ती के काश्त नहीं थी नहीं सर बताया ना उन्हें बताया वो होने मौका देख सकते हैं सर सबर सब सब तो की में पता लगेगा उसके काश्त किने की अगर तेरे को तेन यह नहीं पता लगता जाके कि पिछली काश्त किन्ने की थी है उस तू पिछली किन्ने की थी है ये तो मतलब है तू दो नंबर ही कर रहे हैं नहीं सर इसका मतलब है कि आप फैक्ट्स नहीं बता रहे दो पर्चे भी कटा चुके हैं वाले गिरफ्तार के नहीं किया सर ये दो एफआईआर थी ऐसा है सर वो हमें नज़दीक भी नहीं आने देते फसल हमारी काश्त हो रही है अभी भी तकरीबन ये 6-7 महीने हो गए वो हमें नज़दीक भी नहीं आने देते जब हम जाते हैं ना वो रोक देते हैं कौन लोग हैं वो लोग हैं हमारे जो है कजन रिश्तेदार वो जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ना चाचा के बेटे जी हो चुकी है आपकी सर उन्हें दा मेरा सवाल दा जवाब दियो तकसीम हो चुकी है जमीन दी ओ ने मुल की दे मेरे वाले दे। मेरे वाले मुल की दे बाय दा इंतकाल सर इंतकाल है एक मिनट वो गए चाचे ने वालिद को मुल की दी चाचा भाई जमीन यानी बुआ कला के दी है सन 69 के वाले के नहीं नहीं वाले से मेरे मैं पूछना तुम्हारी जड़ी है भाई जमीन है जी जी सारी जी 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 वो तकसीम हो गई है जी वाले साहब के नाम जी जी वाले साहब के नाम जी 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਿਦ ਕੇ ਉਸ ਕੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਥਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਕ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਗੁਰਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਪਰਚਾ ਜੀ ਸਰ ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਨੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ बाबे के साथ कौन है पुलिस आई थी कौन आया शौकत साहब शौकत किधर है शौकत साहब शौकत आप गए थे 15 कॉल पे गाय चोरी कितने दिन पहले की बात ये 8 तारीख दिया दवा महीने ऐसे 8 दी जी हां दवा महीने 8 तारीख दवा महीना 2 महीने पहला जी हां क्यों जी नहीं याद इसलिए नहीं है ना कि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा चलो नहीं मिले ना आप 7 दिन में इनको ये 2 गायें दे दें ठीक है नहीं तो फिर मैं आपको मिलूंगा एक गरीब बंदे का टोटल है ही ये निशानात भी जा रहे हैं सारा कुछ हो रहा है और ये फिर कह रहे हैं कि हम फिर सरदार के पास जाएं या पुलिस के पास आएं तो मेरे लिए तो शर्म का मुकाम है ये दरख्वास्त देखते हैं करम क्यों ऐसे हो रहा है तफ्तीशी आपके कंट्रोल में नहीं है फिर ये दोबारा नहीं मिले कोई आके आप दोबारा आए थे पुलिस के पास सारा साल तो अंदर गया था अंदर गया था अंदर रह गए सारी गाल कहीं कहीं गई दो वास्ते बोला तुम मेरी इतना जो डू गई है नो तो खोल मैं कोई पता का नहीं काम खोल थाने तो अंदर रह साल कोई गाल नहीं क्यों जी तुम मौके तक गए सी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ
झूठ बोल रहे हैं, उन्हें किवें पता लग गया? सारे सारे शौका साहब का है, दरखास्त सारे शौका साहब का है, दरखास्त दे दिया मौके ते आया भाईजान जी जी आके मौके ते देखा है ना तो जितो गई चोरी थी ना तो मौके ते गया ना रात को थान दी को फजर नाल मौके तो थी जाना ना वन भाई इंतकाल कीती है ये आपको लास्ट चांस दे रहा हूं ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो कुछ काम आपने बेहतर किए हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूं और ये 7 डेज में इनकी दोनों गायें बरामद होनी चाहिए ठीक है पर्चा दें आज ही और फिर 7 डेज में इसकी जो है वो रिकवरी करें मुझे इसमें एक्चुअल चोर चाहिए इलाके के जिस उनका मुखबरों से इधर उधर छोटे लुचन लफंगों से पता करेंगे ना तो आपको ये चोर भी मिल जाएगा हो जाएगा नहीं होता तो आपने फिर मेरे पास दफ्तर आ जाना है किराया भी मैं आपको दूंगा आगे सिर्फ बैठ जाना है वहाँ पे ये मिल लेना है ठीक है फिर सारा कर लेंगे ठीक है जाओ जफर इकबाल लड़ाई झगड़ा अस्सलाम वालेकुम सर लड़ाई हुई थी सर लड़ाई हुई थी किसके साथ हुई थी सर उस रख पे हुई थी ये सर अलॉटमेंट है स्टेट लैंड गवर्नमेंट की तरफ से ना एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को यहाँ पे मोजा रखोड़ कैसा नहीं देता थाना का इशू है ना वहाँ पे इन लोगों ने ना लास्ट ईयर अटैक किया था इन लोगों को जख्मी किया गवर्नमेंट लैंड है जी सर उस पे ये क्या कर ये अलॉटमेंट है अलॉटेड है अच्छा सर मेरे भतीजे की अलॉट है तो ये वहाँ पे काश कर रहे हैं तो उसके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया सर जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई ना ये पर्चा हुआ था फिर ये पर्चा हुआ था सर ठीक है और ये अभी तक इसका चलान भी मुकम्मल नहीं हुआ और नामजद करने के लिए जो हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है तो उसके ऊपर भी SHO साहब कहते हैं कि आपकी अलाटमेंट कैंसिल हो गई है ना ठीक है उससे हमने SHO साहब से पूछा कि भैया अगर किसी का अलाटमेंट कैंसिल हो जाए फ़र्ज़ करें तो उसके बाद कब्ज़ा माफिया को ये राइट है कि वो वहाँ पर जाके अटैक करे किसी को नहीं कब्जा माफिया ने आके कोई वहाँ पे कब्जा भी किया है कब्जे की कोशिश उन्होंने बारहा की है सर ठीक है कौन लोग इनके ऊपर FIR है जैसे मीर बादशाह के बंदे हैं सर अच्छा ठीक है उसके अपने ऊपर भी FIR है सर मीर बादशाह के ऊपर मेडिकल हुआ था इस पे जी सर मेडिकल भी मेडिकल दफा लगी SHO को बताएं अरेस्ट करें और SHO साहब कहते हैं सर कि ये उनसे मैंने यही इसमें ठीक है IO को मेरे पास बुला लें कल बुला लें IO को ठीक है ये इज्जाज भी सेम ही है सर ये भी इनकी लाट है ना इज्जाज दोनों केसेस के IO और इसमें जो ये एप्लीकेशन सर लास्ट ईयर 3-4 दफ़ा दिए अभी दोबारा दिए कि भैया मेहरबानी करें हमें ना इनसे वो करें रिलीफ दिलवाएं ना ठीक है इसको सर से ज्वाइन करें ठीक है IO को बुला लें ठीक है देख लेते थैंक यू सर थैंक यू कोई कब्जा नहीं कर सकता थैंक यू सर थैंक यू वैसे कर जन्नत माई है कोई जन्नत माई हाँ जी जन्नत माई किधर है अम्मा तेरे किन्ने पुत्र ने कितने पुत्र ने तेरे वो दो ही को घर रहंदे ने दो ही को घर रहंदे तेरे किट्ठे तुम्हें पुत्र तेरे नाल रहंदे ने बेटा बैठे हो वापस बैठे क्या बस सुनन दो अम्मा सर अच्छा भाई पिछला भाई जो वालिद अदालत लड़ता रहेगा
ठीक है, हो जाएगा, हो गया। अभी रात तक उसको निकाल के बाहर फेंक बेटा, हो गया मजे, हो गया, हो जाए, बेफिक्र इरशाद अहमद, इरशाद। हाँ जी, गुलाम हैदर, गुलाम हैदर बस अल्लाह बख्श, गुलाम हैदर। हाँ जी, बेटे नहीं मेरे घरों करते घर में पूरे बेटे ने बेटे में घरों करते घर थाना कौन सा थाना को पता है थाना क्या है शौकत थाना को पता है हाँ बताओ शौकत थाने को लो है थी सर गए हैं इनका मान गए हैं कहते हैं इनको घर उठाते कौन बेटा बेटा है उसका और कौन है उसका उस बेटे को उठा के बाहर निकालें उसको उधर नहीं बैठने उसको बैठाएं ठीक है ना चाहे उसके नाम हो कागजात जो भी हो जिस बेटे का ये हाल है तो अभी तक आपने क्यों नहीं मैं कुटना है मेरी मां नाल नहीं मां बंद बंद भी करो पर्चा भी दो तो ऐसे सर बैठाओ ऐसे यार कुछ काम खुद कर लिया करो जड़ी औलाद ने जो कुछ करना है तो आज रात तुम अपने घर हो गए किधर है तो वो हमारे तहफ़ुज़ मरकज़ वालों के साथ कनेक्ट करें ठीक है और इसको जो है ना ठीक है जो मरकज़ है आप सब रब्ता करके दीदी को उधर करें या उसको अढाई लाख रुपया पुलिस को खवाई खणा पंजाब पुलिस को कूड़ मरने खाली रिकॉर्ड पूरा नहीं होया साहब जलसे तो रहेगा मजदूर आदमी है छोटे छोटे बच्चे ने सर केस नहीं से छोटे छोटे बच्चे हैं किस बेस पे नामजद किया जी सर जी इंक्वायरी करनी थी धरने थे हम साहब ने नामजद कैसे किया उन्होंने मेरिट पे अगर नामजद उन्होंने गलत किया नहीं हो गलत नहीं पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह और कहना फिंगरप्रिंट सारे चेक करो फिंगरप्रिंट सारे उन ठाकुर ढक दो ठीक गलत मुलवे सो उन ठाकुर नहीं होगा नहीं होगा वैसे करो जहूर अहमद जहूर अहमद वल्द अब्दुल लतीफ भैया पीछे होती भैया जी जहूर कौन जहूर आओ सिंह आओ फाते सर जहूर अहमद सर मैं सर क्या हाल है ती जहूर खान दसो मैं आस्का जी जी मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हां दोस्त ते नजर दई मसला है मेरा अच्छा जी इथे आजो ते आजो बैठ जाओ इने कुत्ता बिलाओ से शुक्रिया मैं एक प्लाट किया
ਬੋਜ਼ਾ ਮੰਗਲੋਠਾ ਇਚ ਆਖ ਗਿਆ ਲਕੂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਲਾ ਪਤਾ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਾ ਬੁਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਸਤਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਟੇਜ ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੰਗਲੋਠਾ ਬੋਜ਼ਾ ਮੰਗਲੋਠਾ ਸੀ ਆਦੀ ਵਾਲਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ दोबारा जो है ना वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर उन्होंने कब्जा किया उठाएं पर्चा दें जेल में भेजें हो जाते हैं नजमा परवीन नजमा परवीन नजमा परवीन कौन है बाबा बहुत शुक्रिया इंग्लिश के शायर हैं आप मैं सात ज़ुबानों में लिखता हूँ सर माशाल्लाह ज़हूर अहमद फातेह साहब एक नाम है सर हमारे इलाके का रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं इनका जो है ना सुने ये इनका ऐसे जो इनकी एक तस्वीर इनकी शायरी हमने थाने के अंदर लगानी एक कॉर्नर देखें ठीक है ये तस्वीर की तले लाने पे ठीक है हमारे कल्चरल उसमें आएंगे ठीक है ना चल और इनका एक आध इंटरव्यू भी करके तो पंजाब पुलिस के पेज पे जाएंगे ठीक है ना ये हमारा हाँ जी और कौन है नजमा बीबी जी बीबी देखें वेरीफाई करें ये मुझे इसमें कुछ चीजें आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है सो वेरीफाई करें इन्होंने किससे लिया कब लिया उन्होंने किससे लिया कब लिया जिसने पहले लिया वह उसको दें दूसरे को उठा ठीक है ना ज़रूरी नहीं हर चीज़ को हम उसमें लेके जाएं कि जी पुराना हो गया ये हो गया वो छः महीने बैठ कर कब्जा माफी आके असी अदालतों वाल भेज देने उस तो बातें कुछ नहीं निकलता चुको सारे केस ये वाला भी इस पर मैं इसकी वजह मुझे पता है आपको नहीं पता तो मुझे पता ठीक है ना हाँ इसको करें जस्ट वेरीफाई पहले किसने लिए जगह मालिक से सोसाइटी के मालिक से पूछे उसने लिए नहीं लिए दूसरे पे कब्जे का पर्चा दे के फिर मुश्ताक अहमद जी आया सर हाँ जी सर दुकान दान किसने मिली किन्ने चोर है डकैत है दरख्वास्त दी थी जी दरख्वास्त थाने सरदार फिर की क्या होना कोई कार्रवाई नहीं थी कदों दरख्वास्त दी थी तभी 10 तारीख हाँ जी एसएचओ सदर दुकान बनी ना जी अस्सलाम वालेकुम तेरी जादे भूआ भूआ अड्डे तो ते बनी वालेकुम सलाम हो गया पर्चा हो गया पर्चा नहीं हुआ था ओनु पता ही हाल ही उठा ही खड़ा सही मैं तनु भी नहीं पता मनु भी नहीं पता ओनु भी नहीं पता लोग के ना रश शिकायतें कर रहे नहीं मिले यार थाने आए हैं कह रहे नहीं मिले अद्धा घंटा पहले 2016 प्लाट बिच असिया प्लाट 2016 के बाद 2019 बब्बू फौत ही गया तो मैं यार सारे नाल कोई लैन देन का उही चक्कर मैं कोई प्लाट दिखाया 2017 सिटी फूड क्लब के नाल बोला उन्हें बाद दे पैसे सब बुला दे सब प्लाट की जरूरत नहीं वो वाला धमकिया ने जरा कुछ कहने में करो ये 2021 मैं दरखास्त जमा करवाई वह मेरे के नकल पी है डकैती है सर तकरीबन 8:30 शहर कैन बस में सर 3 बंदे थे 5वें महीने की है ना जी सर
मेरे तो पहले दिए जरा थोड़ा जा हल्के रहो ठीक है ना। जी तो जो आपने तीन चार गैंग पकड़े हैं वो इससे जरा आपने मुझे स्टेटस देना कौन कौन सी वारदात कौन सी जो रह गई है वो कोई और ग्रुप के अगर ये नहीं मानता जान मोहम्मद जान मोहम्मद वल्द हसन खान जान मोहम्मद जान मोहम्मद जी जी ये सर मुकदमा नंबर 395/23 थाना सदर तंसचरी इसमें जनाब 8 बंदे नामजद थे जो कि अभी अबूरी जमानत पे हैं। कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ था? जी नहीं सर गिरफ्तार नहीं हुए थे सारे अबूरी जमानत पे। कितने दिनों बाद जमानत कराई थी अबूरी? ये सर फौरन ये कौन है सदर कौन सा 395/23 हैं इस पर्चे का की फायदा हवालात कौन बैठा है किन की तरफ सर इनमें से एक 12 तारीख को बंदे को पकड़ा मोहम्मद रसूल बाद मोहम्मद रमजान कौम पठान ये नॉन लोकल है सर यहाँ का रहने वाला है अभी वैसे है लोरल के रहने वाला सर इसको 12 तारीख से पकड़ा हुआ ना उसको नामजद कर रहे हैं ना उसको अदालत में पेश कर रहे हैं सर। एक दिन उसका चचा फौत हुआ उसके नमाज जनाजे पर छोड़ दिया फिर दोबारा उसको ले गए गिरफ्तार था ठीक है ये दो जो हैं इसका फाइनल करें पर्चा आपका ही हुआ है ना? नहीं सर मैं मुजमान पार्टी की नहीं दूसरी पार्टी साडा सर जी साडा अपना कब्जा है जमीन कब्जा अपना वो सदर इन वकील है सर 15 20 वकील कटे ताने ने कब्जा किसी का नहीं कब्जा साडा है कब्जा नहीं कहता सर 2003 से इनकी कला जायदाद है कॉल पार्टीज कर लिए मैं खुद सुनता हूं सर बेहतर दोनों पार्टीज को बुला लें थाने बेहतर हो मंगल थैंक यू सर। आमना बीबी आमना बीबी आमना बीबी आमना बीबी सदर में कौन सा इसका बेटा है जी अब्दुल रहीम ऐसा जी पता क्या चोरी की चीज चोरी की थी मने है पहले भी है रिकॉर्डेड ये रिकॉर्डेड ठीक है बेहतरीन है रिजल्ट अच्छा है आयो कौन है आपका आयो तफ्ती शौकत साहब हाँ जी शौकत शौकत मौके पे आया हर शहर पूरे घर हाँ जी फिंगर प्रिंट आए हैं आपने शौकत शौकत फिंगरप्रिंट्स आए हैं आपने रिकवरी वाले बाइक वाले वो जमा हो गए वो सारे हमने इकट्ठे कर लिए ठीक है और सारों को हम इंशाल्लाह एड्रेस 35 सारे बोलना शुरू हो गए हमें कोई टोकन नहीं मिला गया थाना कौन सा किधर है कौन सा सिटी सर जी FIR आपने नहीं दी रपट लिखी है तो रपट के हमें कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिली 11 नवंबर को बाइक काशिफ इश्फाक के नाम पे 11 नवंबर को मोटरसाइकिल चोरी हुआ गया जी जी सर क्यों नहीं दी देखते क्या नहीं है सर ये हमें कोई टोकन वगैरह तो कुछ नहीं मिला
हमें तो टोकन वगैरह कुछ नहीं मिला ना। आपने दरख्वास्त दी थी थाने में? सर जी सर, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू मोरर सर, लास्ट वार्निंग, ठीक है ना। कोई टोकन कोई ई टैग के बगैर बंदा नहीं जाएगा और कोई FIR डिले नहीं होगी, ठीक है। जो रह गई आज कर लो, इसके बाद मैं मौका नहीं दूंगा।